नमस्कार, मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। 24 अक्टूबर दिन रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है। टीम इंडिया के फैंस तो इस घड़ी का इंतजार कर ही रहे हैं, साथ ही दुनिया भर के खिलाड़ियों की भी इस मैच पर नजर है। दुबई सहित और अन्य जगहों पर लोगों के लिए रविवार का मुकाबला किसी उत्सव से कम नहीं है। टीम इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान के साथ मैच में अपने पुराने जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखे। क्या कुछ रहेगा खास, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपने पहले मैच से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत करेगी। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ICC T20 विश्व कप 2021 की खिताबी जंग में भारत पर भरोसा जताया जा रहा है कि भारतीय टीम एक बार फिर दुबई में जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी। इस बात पर भरोसा इसलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की उतरने वाली टीम के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज और गेंदबाज हैं, जिनको हराना पाकिस्तान के लिए कड़ी चुनौती बन सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत विश्व कप में पाकिस्तान से कभी नहीं हारा है। इस रिकॉर्ड को विराट कोहली बरकरार रखना चाहेंगे। भारत रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने उतरेगा। 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2003 में भारत ने विश्व कप का फाइनल खेला, उसके बाद 2014 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान से भारत हार गया, फिर भारत ने 2019 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला। कप्तान विराट कोहली ने प्रैक्टिस मैच में ही इस बात को पक्का कर दिया था कि रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत KL राहुल ही करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ यही धमाकेदार जोड़ी ओपनिंग करने उतरेगी। क्रिकेट फैंस रोहित और राहुल की जोड़ी को काफी पसंद करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम की ताकत इसके हर खिलाड़ी का फॉर्म में होना है। इस बीच पाकिस्तान के बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन ने इस मैच से पहले एक बड़ा बयान दिया है। मैथ्यू हेडन ने टीम इंडिया के ओपनर KL राहुल को अपनी टीम के लिए बड़ा खतरा बताया है। सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, भारत की टीम में गेंदबाज भी एक से बढ़कर एक है। टीम इंडिया की कमान विराट कोहली के हाथ में है, जबकि पाकिस्तान टीम की कमान बाबर आजम संभाल रहे हैं। रविवार को मुकाबले से पहले टीम इंडिया अपनी तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। इंडिया खबर की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं।